आजमगढ़ जिले में पहले तो दबंगों ने एक युवक को जमकर पीटा, जब पीड़ित थाने पहुंचा तो उसे थाने से भी भगा दिया गया, ऐसा आरोप है। उसके बाद वो एसपी कार्यालय जा पहुंचा। एसपी कार्यालय पहुंचे ये हैं शंभू पासवान। इनका आरोप है कि मामूली कहासुनी को लेकर उनके साथ जमकर मारपीट की गई है। जब वो थाने पहुंचे तो थाने पर पहले उन्हें दौड़ाया गया, बाद में पुलिस उस पर समझौते का दबाव बनाने लगी। रौनापार पुलिस की हिला हवाली देखकर पीड़ित एसएसपी से न्याय की गुहार लगाने जा पहुंचा। आपको बता दें कि 3 मार्च को रौनापार थाना क्षेत्र के एक दुकान पर बैठकर पीड़ित चाय पी रहा था। आरोप है कि उसी दौरान कुछ शरारती लोगों ने बात ही बात में शंभू पासवान को गाली गलौज देते हुए जमकर मारपीट दिया। पीड़ित जब रौनापार थाने में शिकायत लेकर गया तो रौनापार पुलिस ने पीड़ित से सुलह समझौते करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया, ऐसा पीड़ित का आरोप है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शंभू पासवान। कहाँ से आए हैं? सर मैं देवरिया से आया हूँ, थाना रौनापार तहसील सगड़ी जिला आजमगढ़। आज आप एसपी कार्यालय पर आए हुए, क्या समस्या है आपकी? सर मेरी समस्या है कि मैं भदौरा ढाला पे मंगलवार का व्रत था, मैं बैठा एक दुकान पे चाय पी रहा था, वहीं पे कुछ लोगों ने आया वार्तालाप करते हुए, उन्होंने जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया, पासी फांसी चबार क्या करोगे, यहाँ हीरों की चलती है, बहुत दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, मारे पीटे, उनके बाद भी कुछ लोग उनको छुड़ा कर ले गए, फिर वहाँ से फिर वापस आके मारे। फिर मैंने प्रार्थना पत्र रौनापार थाना को अवगत कराया, अभी तक उस पर सर कोई विचार नहीं हुआ। क्या कहते हैं रौनापार इसको? रौनापार एसओ महोदय जी कहते हैं कि हो जाएगा हो जाए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। मैं सुबह से शाम तक बैठता हूँ सर, एक प्राइवेट विद्यालय का शिक्षक हूँ सर, और दिन भर पूरा मैं रौनापार थाने का ही चक्कर लगा रहा हूँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। आज सुबह थाने पर गए थे, क्या हुआ था? सर थाने पर गए थे, वो दबाव लोग बना रहे थे, कहें कुछ नहीं हो पाएगा, सुलह समझौता कर लो, लास्ट में हार मान के मैं सर एसपी साहब कार्यालय पर आया हूँ। क्या किस तरह धमकी देते हैं आप लोगों को? वो धमकी देते हैं कि सुलह कर लो नहीं तो तुमको 3 दिन के अंदर मैं मरवा दूंगा सर, बार बार बहुत दबाव पड़ रहा है इतना। कौन कौन लोग हैं उसमें? सर सचिन चौरसिया फ़ोन करके कहा 3 दिन के अंदर मरवा देंगे, राजेश यादव कहा सर। कौन है ये लोग? ये लोग सर बहुत मनमर किस्म के व्यक्ति हैं, वही भदौरा के रहने वाले हैं सर। आप क्या चाहते हैं? हमें सर, हम चाहते हैं कि न्याय हमें मिल जाए। अगर सुनवाई कहाँ जाएंगे? सुनवाई नहीं होगी तो सर अगला कदम हमें कुछ उठाना ही पड़ेगा, आगे बढ़ेंगे सर। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।